नमस्कार दोस्तों, आपसे सर आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सुबेदार राम नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है राजभर क्षत्रिय का हुआ है, जिसमें जिनकी दो मांगे हैं, राजभर समाज को क्षत्रिय में लिया जाए और 10% का आरक्षण EWS के थ्रू दिया जाए, और दूसरा यहाँ का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें UT के लिए हुआ है, जो कूच बिहार है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको जो है यूनाइटेड टेरिटोरियल घोषित किया जाए, तो इसी विषय पर यहाँ पर चर्चा हुई है और इसी विषय पर सरकार से मांग की गई है कि भारत सरकार हमारी बात को सुने और ये दो मुद्दों पर विचार करे। अगर ये मुद्दा पर अगर सरकार अगर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर सरकार जो है हमारी बातों को नहीं सुनती है, आम तौर पर जो है सरकारें इतना आसान से नहीं सुनती हैं, तो हमारा अगला कदम होगा चक्का जाम रेल रोको आंदोलन से शुरू कार्रवाई करेंगे। उसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, लाठियां खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, वो सब सहने के लिए हम तैयार हैं। जी धन्यवाद सर। साथ में मौजूद हैं महेश राजभर जी, जो कि इस संगठन से हैं, और आइए जानते हैं पूरे डिटेल इस क्या उम्मीद है, सरकार आपकी बातें मान लेगी? सरकार को मनाने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, और सरकार को नेतृत्व में महाराजा श्री श्री अनंत राय जी के नेतृत्व में उत्तर बंगाल, असम से लेकर और माँ काशी विश्वनाथ मंदिर का माँ कामाख्या की धरती से काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो हमारे समाज बटे हुए हैं, अब ज़्यादा दिन की दूर नहीं है, अब ये समाज एकीकृत हो गया है और ये समाज अपने अधिकार के बारे में जानने लगा है और समझने लगा है। आने वाले टाइम में कुछ ही दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा, ये जो इतनी बड़ी जो समाज का इतनी बड़ी जो संख्या है, 25 करोड़ आबादी उत्तर भारत में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड में जहाँ भी है हमारे समाज बटे हुए हैं, अब ये बटे हुए नहीं रहेंगे और ये क्षत्रिय समाज अपनी हक और अधिकार की बात कर रहा है, और उसी के लेवल पे जो कूच बिहार अलग स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी बनाने की जो मांग है हम लोगों का, उसी पे धरना था मास्ट कम्युनिटी, जो आज रैली निकाले गए हैं हम लोग जंतर मंतर पर, इसी के समर्थन में था। महाराजा अनंत राय जी का धरती है वो, और राजमाता गायत्री देवी की धरती रहा है, और राजभर समाज के ये भी जानना चाहिए राजमाता गायत्री देवी उस राजवंशी समाज में पैदा हुआ है, तो कौन कह सकता आप क्षत्रिय नहीं है? और जो लोग आपको कह रहा भाई क्षत्रिय नहीं है, राजभर ये है वो है, वो लोगों को यह बात सुनिश्चित करना चाहिए, जिस खानदान में राजमाता गायत्री देवी पैदा हुआ और नारी सशक्तिकरण के लिए जयपुर में इतना काम किया, महारानी कॉलेज बनाया, इतना कुछ दिया जयपुर में, और राजमाता गायत्री देवी के नाम से जाने जाते हैं आज भी जयपुर की धरती, तो ये बात सुनिश्चित होना चाहिए। अब इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं डाल के अब ये क्षत्रिय समाज को जगना चाहिए, अपने अधिकार की बात करना चाहिए। दबे कुचले लोग जो आज हमारे जो समाज बचे हुए हैं जगह जगह पर है, हम लोग दबे क्यों हैं? हम अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ को भूल गए, हम दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आज इतनी बड़ी आबादी है, 25 विधायक हमारे, 30 विधायक होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, 15 से 20 विधायक होना चाहिए बिहार में, बंगाल में होना चाहिए विधायक, असम में होना चाहिए इतना विधायक, MP होना चाहिए, राज्यसभा MP, राज्यपाल होना चाहिए, मगर आपको क्या मिला? क्योंकि संगठित में ही ताकत है, एक दूसरे को नेता गाली देते हैं तो एक दूसरे को कोई गाली दे रहे हैं, भाई गाली देना समाज के हित का बात नहीं है, समाज एकीकरण करने में समाज सेवी का हाथ होता है, नेता का काम नहीं है समाज सेवी। आज जो बोले बड़े बड़े ये हमारे सामने में है, ये समाज सेवी लोग हैं, यही लोग समाज को बनाते हैं, नेता नहीं बनाता समाज। धन्यवाद सर। साथ में मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने समाज सेवी जी, वे सुभाष राजभर जी मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं सर कि क्या राय है। सर आपका हमारे चैनल राय तो बहुत बढ़िया है जी, क्या कहेंगे इस धरने को लेकर? दल बल के साथ हम साथ में रहेंगे जी, एकत्रित रहेंगे जी, जैसे समाज कहेगा वैसे चलेंगे। अक्सर बिहार से अखिलेश राजभर जी आए हुए हैं, तो ये जानते हैं इनका कितना सपोर्ट है, कितना सपोर्ट रहेगा आपका इस धरने में? इस धरने में मेरा 100% सपोर्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश जो मांग है उस मांग को सरकार पूरा करे, और इस धरने के माध्यम से, इस मांग के माध्यम से खास करके हम बिहार प्रदेश में ये बात को जनाना चाहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कि बिहार प्रदेश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के भर राजभर, राजवंशी, राजधोबी, इन तमाम जातियों को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है,
वहाँ पर जो है केवल हम लोग जब हमको भारत का नागरिकता प्राप्त हुआ है तो सरकार को ये समझना चाहिए, वो सर्वे करानी चाहिए कि क्या ये सब जातियाँ बिहार के धरती पर रहती है, तो इन जातियों को राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। 75 साल बीतने के बाद भी आज तक हम लोगों को न एक भी MP है, न एक भी MLA है, न किसी आयोग का आज तक कोई मेंबर है, न कोई नगर निगम का कोई मेंबर बना है। तो इसलिए इस धरने के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि खासकर बिहार प्रदेश में राजभर, राजवंशी और राजधोबी, तमाम अन्य जातियाँ जो है बिखरी हुई है, और इस जाति को आने वाले लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसमें जो है हम लोगों का हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद सर। धरना का समर्थन करते हैं और कूच बिहार को एक अलग स्टेट की मांग करते हैं, तभी हमारी कम्युनिटी की यूनिट बनेगी और सब लोग एकत्रित होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, हमारे माननीय गृह मंत्री से, कि जल्द से जल्द एक अलग राज्य का गठन किया जाए। जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय।